प्रदेश में जेबीटी प्रशिक्षु पिछले काफी लंबे समय से आंदोलनरत है। इसी कड़ी में सोमवार जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने मंडी में रोष रैली निकाली और उप निदेशक शिक्षा विभाग का घेराव किया। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि पोस्टें जेबीटी की हैं और रिजल्ट बीएड वालों के निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत है और जेबीटी प्रशिक्षुओं के साथ अन्याय हो रहा है। मोहित ठाकुर ने कहा कि जेबीटी के पदों पर जेबीटी प्रशिक्षुओं की तैनाती की जाए। आज जो हमारा ये मंडी में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये अधिसूचना जो जारी की गई है शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें जो है 2018 की एनसीटी की नोटिफिकेशन का हवाला देकर बीएड स्टूडेंट्स को जो है एलिजिबल किया था पहले काउंसलिंग में, बैच वाइज काउंसलिंग में जेबीटी की, और उसके बाद जो है फिर से एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें जो है डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश दिए जाते हैं कि जल्द से जल्द जो है रिजल्ट निकाला जाए बीएड के साथ, जो कि सरासर गलत है क्योंकि 2018 की नोटिफिकेशन जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने क्वैश कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है। और साथ ही साथ जो है डिप्टी डायरेक्टर को आदेश किया गया कि बीएड का स्टूडेंट रिजल्ट निकाला जाए, पोस्टें जेबीटी की और रिजल्ट निकालने के लिए बीएड का कहा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए आज जो हम डिप्टी डायरेक्टर मंडी का घेराव करने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में हम हर एक डिप्टी डायरेक्टर का घेराव करेंगे, और फिर भी अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम जो है पूरे प्रदेश भर में हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। हर एक जेबीटी छात्र जो हंगर स्ट्राइक पर बैठेगा, इसमें पूरे प्रदेश जिला मंडी के जितने भी हमारे जेबीटी प्रशिक्षु है, डाइट्स के स्टूडेंट्स है और प्राइवेट जितने भी हमारे जेबीटी कॉलेज है, सभी स्टूडेंट्स आए और जितने प्रशिक्षु पास आउट हो चुके हैं सभी इस रैली में मौजूद। हमारी यही मांग है कि जेबीटी की पोस्टों में जो है जेबीटी को ही नौकरी दी जाए, जेबीटी की पोस्टों के नाम पर जो है बीएड वालों को नौकरी ना दी जाए। अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती और रिजल्ट जो है बीएड वालों को निकाला जाता है तो हम जो है शिमला में जो है डायरेक्टर का घेराव करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तो आमरण अनशन किया जाएगा।